अब हम आप लोग को कार्तिक महात्म सुनाने जा रहे हैं। 35 अध्याय है और कुछ भी आरती मूल इत्यादि चीज़ हैं। तो पहले भूमिका होता है, भाव भंगिमा होता है, ये भी जरूरी चीज़ है। तो चलिए पहले हम आपको भाव भंगिमा भूमिका से ही परिचित करा दें। तो किसी चीज़ को समझने के लिए, समझाने के लिए कुछ विशेष रूप से अपनी भाषा में समझाया जाता है। तो कार्तिक महीने में चंद्रमा जो है सो अपनी किरणें जमीन पर सीधी डालता है, समझे? माने और महीना में जो है सो चंद्रमा की किरणें तिरछी होती है, और इस महीना में चंद्रमा की किरणें जो है सो आपको धरती पर बिल्कुल सीधे चलाता है। अतः वैज्ञानिकों का कहना है कि जो मनुष्य इस महीने में चंद्रमा के द्वारा जो अमृत की वर्षा होती है, अमृत के समान होती है, किरणों से निर्मल और अमृत के समान बनाए जाते हैं और जल में प्रातःकाल जाकर गोता लगाता है, यानी कि चंद्रमा के प्रकाश के कारण सुबह का जल जो है कार्तिक महीना में अमृत के समान होता है, और उस समय जो स्नान करता है वो समझिए कि अमृत का पान करता है। अमृत के कहने का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है कि वह व्यक्ति अमर हो जाता है, परंतु इतना संभव आसान अमर होना नहीं है, फिर भी उस तरह का प्रभाव उस पर पड़ता है, मिलता है। वह अनेक प्रकार के रोगों से रहित होकर सुंदर और बलिष्ठ हो जाता है। तो एक अमृत का ही प्रभाव होता है को व्यक्ति साधारण करने में जो लोग न करते हैं उनसे वो अच्छा हो जाता है, सुंदर भी होता है और बलवान भी होता है, बुद्धिमान भी हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा के किरणें रात भर जिस कंद मूल फल भोज्य पदार्थ जल पर पड़ती है वह अमृत के समान रोग को हरने वाला और पौष्टिक बन जाता है। तो यह चंद्रमा के प्रकाश के फलस्वरूप जो हैं सो औषधियों में औषधीय गुण प्राप्त होते हैं, और जो औषधीय पदार्थ न हैं उनको भी औषधीय पदार्थ के रूप में बना लिए जाते हैं। खाने पीने के समान आपको खुले आसमान में, परंतु धूल गर्दा इत्यादि से बचे इस तरह से व्यवस्था करें, ऐसा न हो कि खुला रख दे और ऊपर से पक्षी विष्ठा करता तो बेकार हो जाएगा। इसलिए उस उन सब चीज़ों से बचाव के लिए और चंद्र के प्रकाश और शीतलता शीत जो गिरता है उसकी प्राप्ति के लिए खुले स्थान में आप रख दे, उसका पान करें, खाए पिए, और नहीं तो जो प्रकृति में इस तरह से जो प्राप्त हो जाता है उसी को आप व्यवहार में लाएं। तभी तो हमारे शास्त्र में सर पूर्णिमा को नाच गान बताया गया है, खेलना कूदना, यानी कि सर पूर्णिमा को रासलीला भगवान श्री कृष्ण भी किए थे, ये इतना महत्व की चीज़ है। तो हमको भी उनका अनुसरण करना चाहिए। इसीलिए प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। सर पूर्णिमा से लेकर के एक महीना तक आपको कार्तिक महीना हो जाएगा या चंद्रमा के अनुसार हो जाएगा, और सूर्य के अनुसार आपको 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक कार्तिक महीना होगा। तो उसके अनुसार भी आप वहीं से शुरू कर सकते हैं, परंतु इसमें चंद्रमा का महत्व दिया गया है। तो चंद्रमास के अनुसार ही कार्तिक स्नान करें और उसका नियम का पालन करें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो सिर्फ कार्तिक महीना में कार्तिक स्नान करने से तो काम चलेगा ही, बहुत अच्छा फायदा होगा, लेकिन हम लोग को चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा करना भी पड़ेगा। तो आप अपने घर में, विशेष करके देवस्थल पर, देवघर में, देवता घर में, कुल देवता घर में दिया को जलाएं, दीपदान करें, तुलसी चौरा पर दीपदान करें, आकाश में दीपदान करें, मैं खुले स्थान पर ऊँचे पर दीपदान करें, कंदील वगैरह कुछ इस तरह का व्यवस्था कर लें, या आप अपने घर के सबसे ऊंचे स्थान पर जहाँ सुरक्षित दीपक जलाया जा सके जलाएं, आकाश दीप उसको कहेंगे। फिर रास्ता पर, मैं रास्ता पर बीच रास्ता पर नहीं है, मैंने उस अगल बगल आसपास में दीपदान करें रात्रि में, कि ताकि आने जाने राहगीर को प्रकाश मिले, उनको आने जाने में आसान हो।
इसको अंग्रेजी में स्ट्रीट लाइट कहते हैं, सरकार की तरफ से व्यवस्था होता है। ये सब शहर में विशेष करके चलता है, सब जगह ऐसा संभव ना है, तो खुद आप अपना कीजिए, आपको भी लाभ होगा, आपके परिवार को लाभ होगा, पड़ोसी या आगंतुक आने जाने लोगों को भी लाभ होगा। साफ वस्त्र पहनना चाहिए और स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकारी है। तो कार्तिक महीना क्या कि हमेशा ही वस्त्र जो है सो साफ सुथरा होना चाहिए। जब वस्त्र साफ होंगे तो शरीर स्वस्थ होंगे और बुद्धि भी स्वस्थ होगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि कार्तिक मास में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, इसीलिए लोग घर से बाहर न सो करके अंदर सोते हैं। ऐसे गर्मी और बरसात के दिन में लोग घर में न सो करके आंगन में, ओसारा में या खुले स्थान कहीं भी लोग सो लेते हैं, लेकिन ठंड बढ़ने के कारण लोग अब घर में सोना शुरू करेंगे, तो घर साफ सुथरा न रहेगा तो कैसे काम चलेगा, मतलब बीमारी के घर हो जाएगा, गंदे स्थान पर रहिएगा। तो इसीलिए हम लोग के यहाँ दिवाली के पहले, लक्ष्मी आगमन के पहले घर के साफ सुथरा हम लोग खूब बढ़िया से कर देते हैं, एकदम पूरा दीवार को लिप पोत करके चमका देते हैं, फूल पत्ती बना के सुंदर कर देते हैं, ताकि कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो। और बरसात के दिन में जो कीटाणु विषाणु जीवाणु वायरलेस वायरस जो भी भर गए हो, वो सब दीवार पर चिपके हुए रहते हैं, वह सब चूना के प्रयोग करने से समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग घर की सफाई सुथरा कर देते हैं। पहले के जो लोग गोबर मिट्टी से ही लिप देते थे तो भी अच्छा हो जाता था। हाँ, तो ओढ़ना बिछौना सब साफ सुथरा रखिए, खाली घर या दीवार साफ करने से नहीं होगा, ओढ़ना बिछौना सब, बिस्तर सब, और जाड़े के दिन आ रहा है कपड़ा भी बढ़ेगा, और सबको साफ रखना जरूरी है। ऐसा भी आयुर्वेद में कहा गया है कि जाड़े के दिनों में सूर्य जो है सो शक्ति को खींचते हैं, अर्थात सूर्य की शक्ति कम जाती है तो हमारी भी शक्ति कम जाती है, तो शक्ति न कमे इसके लिए अच्छा भोजन करना चाहिए, माने बल प्रदायक भोजन, चिकनाई युक्त भोजन करना चाहिए, घी तेल का प्रयोग अधिक करना चाहिए। बाकी अपना शरीर का देखिए कि आप कितना खा सकते हैं, पचा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो घी तेल चिकनाई चीज का प्रयोग अधिक होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं है, परंतु तो आप अपने शक्ति सामर्थ्य देख लीजिए कि कौन सा चीज़ कितना खा सकते हैं। तो जब बलिष्ठ शरीर होगा तो आप खूब कमाइएगा, खूब खाइएगा और खूब बचाइएगा, और बुद्धि भी होना चाहिए। तीन सबों के लिए आपको कार्तिक स्नान आवश्यक हो जाता है, तन साफ तो मन साफ। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म एकादशी कथा का सुनना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो कार्तिक का महत्व, स्नान क्या क्या नियम पालन है, वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन करना चाहिए। इसमें तो बहुत सा दिया हुआ रहता है, बिल्कुल साधु महात्मा बनना होता है, संत हो जाते हैं लोग। और यदि उतना आप नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो यथाशक्ति यथासंभव कीजिए, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, जितना कीजिएगा उतना ही मिलेगा। अब कोई आपसे ज़्यादा करेगा तो उसको अवश्य ज़्यादा मिलेगा। यदि आप चाहते हैं सबसे ज़्यादा हमें मिले और सबसे पहले हमको मिले, तो आपको सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा और सबसे पहले करना पड़ेगा। कार्तिक के महीने में बादल भी जो है सो पानी का रूप धारण कर लेते हैं ना, बादल में पानी होता है, लेकिन वो गैसीय रूप में होता है, वाष्प रूप में होता है, लेकिन ठंड अधिक जब बढ़ जाता है तो वाष्प जो है सो घनीभूत हो जाता है, संघनित हो जाता है, मिल जाते हैं आपस में और भारी हो जाते हैं, तो ये जल का रूप धारण करके टपक जाते हैं, वर्षा रूप में नहीं, वाष्प के रूप में, जिसको कोहरा कहते हैं, कुहासा कहते हैं, फॉग कहते हैं, और न जाने अपने अपने भाषा क्या क्या कहते हैं। ये पराशर मुनि की देन है। तो वायु भी जो है सो साफ हो जाता है, माने जाड़े के दिन में जल और वायु दोनों ही साफ हो जाते हैं, इसलिए बाहर घूमिए, टहलिए, जाइए और स्नान करिए, और अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग या जो लोग तैराकी करते हैं, तैर सकते हैं, उनसे सीखिए, अच्छा रहेगा, समय पर काम देगा। आजकल नाव जब डूबता है तो मरने वालों की संख्या अधिक हो जाता है, कारण यही है
को तैरना नहीं जानते हैं लेकिन नदी पार करना जान गए, नाव पर बैठ गए पार कर गए। ये तैरना नहीं जानते हैं तो नाव जब डूबता है तो खुद भी डूब जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में बना हुआ है कि आहार पोखर नहर तालाब इत्यादि स्थानों में हमेशा स्नान करते रहें, अर्थात तैरते रहें पैरते रहें, ताकि कभी भी आपको जल डूबने का भय नहीं रहेगा। यदि कुछ समय उसे आ भी गया तो आप तैर करके पैर कर करके आसानी से निकल जाएंगे। तो इसीलिए कार्तिक महीना में जो है सो जलाशय शुद्ध हो जाता है, साफ पवित्र हो जाता है और किसी तरह का जल वायु धरती सब लगभग शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और ऊपर से जब चंद्रमा का जब अमृत तुल्य किरण जब बरसती है तो अमृत के समान हो जाता है। इसीलिए प्रातः काल में कार्तिक महीना में स्नान करना सर्वोत्तम हो गया। और प्रातः काल का मतलब होता है कि 24 घंटा के जो दिन और रात मिला के हुआ ना, उसको चार खंड में बांट दिए, प्रातः काल, दोपहर काल, सायंकाल और अर्धरात्रि काल। तो चार से भाग किए तो 6 घंटा हो गया, 6 चौका 24। तो प्रातः काल आपको मान लीजिए कि सुबह 4 बजे से 10 बजे तक और 10 बजे के बाद और शाम 4 बजे तक 6 घंटा जो समय हुआ ये आपको दोपहर काल हो गया, और शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सायंकाल के गिनती हुआ, और रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक के समय जो हुआ वो अर्धरात्रि काल हुआ। तो ये आपको सामान्य नियम हुआ। और जाड़ा गर्मी बरसात के अनुसार इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन चारों कालखंड जो है सो टाइम लगभग वही रहेगा, कुछ आगे पीछे होगा। और जो काल में जो काम करने के लिए कहा गया है वो इसी के अनुसार लगभग आप बना लीजिए, और इसी समय में आवश्यकता अनुसार कुछ आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन 4 से 10 के मध्य में ही प्रातः काल होगा, यानी कि 12 दोपहर हो जाता है। तो इसीलिए कार्तिक महात्म आपको सर्वोत्तम हो गया, यह भूमिका हो गया, आपको समझा दिया गया। अब उसका पहला अध्याय दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दीजिए, आपको पसंद आया तो, दूसरे को दिखाना चाहते हैं तो उनके पास शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए या फेसबुक पर या जैसे भी हो। और हम हमारे साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं, इस तरह का प्रोग्राम देखना चाहते हैं, कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और चाहते हैं कि अवश्य मिले और जल्द मिले तो बगल में घंटी का फोटो आता है उसको बजा दीजिएगा, छू दीजिएगा, हिला दीजिएगा।